हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स और पेपर फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें जो आपका यूनिट थर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट डिग्री, तो स्टार्टिंग से लेक्चर आपको चल रहे हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप कंटिन्यू स्टार्टिंग से देखिएगा। फर्स्ट जो आपका लेक्चर है व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, आर्डर डिग्री क्या होता है, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में करवाया गया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सब डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ और डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो कब होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वाई बराबर ई के पावर माइनस थ्री एक्स, ठीक है, क्या है वाई बराबर ई के पावर माइनस थ्री एक्स जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो। ये जो है इसका कब सोल्यूशन होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो वाई बराबर ई के पावर माइनस थ्री एक्स जो है फंक्शन दिया गया है, ये कब कहा जाएगा कि इफ वाई वेरीफाई, यानी वेरीफाई कर सकते हैं वाई बराबर ई के पावर माइनस थ्री एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी ई का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये है कि नहीं है, कैसे वेरीफाई किया जाता है, अब वही उसका सोल्यूशन होगा जो सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लीजिए कि सेकेंड टाइम इसका आप डेरिवेटिव करें, ठीक है, यहाँ पर पुट करें, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करें यहाँ पुट करें, वाई की वैल्यू यहाँ पर रखें पुट करें, तो अगर जीरो आ गया तो हम कह देंगे कि वाई बराबर ई के पावर माइनस थ्री एक्स जो है इसका क्या है सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। जैसे मान लीजिए इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स आएगा जो माइनस थ्री ई के पावर माइनस थ्री एक्स होगा, अगर डबल डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा ये प्लस हो जाएगा नाइन ई के पावर माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। अब वैल्यू रख के चेक करते हैं तो नाइन ई के पावर माइनस थ्री एक्स प्लस डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये माइनस वैल्यू रखेंगे तो माइनस थ्री ई के पावर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स, वाई की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए ई के पावर माइनस थ्री एक्स। अब आप आसानी से देख सकते हैं सब कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ई के पावर माइनस थ्री एक्स जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन है, क्या है सोल्यूशन है। तो बस एक्चुअली में ये आपको यही करना है, ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। बाय एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये देखते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एग्जांपल समझते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव बिटवीन द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन वो कब होगा उसका हो फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव उसमें नहीं हो, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है जनरल, क्या होता है जनरल, बिकॉज द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिगार्डेड एज अ रिलेशन डिराइव फ्रॉम इट, यानी जो भी सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन कब होगा वो फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव हो और उसी को हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, ठीक है। वेरीफाइड एट द एग्जाम्पल देखिए y बराबर a cos x प्लस b sin x इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू जीरो। ये इसका क्या करना है आपको वेरीफाई करना है, तो क्या करेंगे हम इसको y बराबर a cos x प्लस b sin x, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए, आप इसको डेरिवेटिव करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ओके, तो यहाँ से करेंगे तो d बाई डी एक्स इजकल टू a माइनस a साइन x प्लस b cos x, ठीक है। अब क्या करना है दो बार डेरिवेटिव चाहिए तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ से दोबारा आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए ध्यान से, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू साइन का क्या होता है कॉस एक्स होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस
कॉस साइन, कॉस का क्या होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको क्या रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। अगर राइट हैंड साइड जीरो आ गया तो हमारा क्या है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, सोल्यूशन है इसका, ठीक है। आप जानते भी हैं, क्वेश्चन लोग किए भी हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये वैल्यू जो रखेंगे माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, अब देखेंगे सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये गिवेन इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो द सॉल्यूशन ऑफ विच कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट हम देखने वाले टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ नेक्स्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वीडियो स्टॉप करिए और इसको नोट करिए आप, ठीक है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, कितने टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। पहला इसमें है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पहले आप डिफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद दोनों पर मैं एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन किसे, बेसिकली किसे कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन जो है कोई भी इक्वेशन दिया है और उसको सेटिस्फाई कराया इक्वेशन को, तो हम कहेंगे उसका क्या है, वो जनरल सॉल्यूशन है। जैसे देखिए डिफिनेशन देखिए, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन इन विच द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कोई इक्वेशन दिया है और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है, तो उसको हम कब कहेंगे कि वो जनरल सॉल्यूशन है, उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के इक्वल होंगे। क्या होंगे, ऑर्डर के इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका इक्वेशन है, ये आप बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन, ये वाई बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी है, और आप भली बात जानते भी हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, वो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या है, ये टू आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड आर्डर का, और उसके आर्बिट्रिक, और इसका क्या है, ये सॉल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कोई भी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है, तो जितने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर के इक्वल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे वो जो इक्वेशन है वो उसका जनरल सॉल्यूशन है। बस यही जनरल सॉल्यूशन है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन इन विच नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू द आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल वाई बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो, और सेकेंड आर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, दो है, एक ए है और एक बी है। तो ये हमारा होता है जनरल सॉल्यूशन। किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सॉल्यूशन अगर होता है, तो उसे जनरल सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जितने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आए होंगे वो आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल होगा। आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नहीं पता है तो फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है। सेकेंड होता है जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मतलब क्या हुआ कि जो भी जनरल सॉल्यूशन होगा उससे जो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू हमको मिल जाती है, तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे देखिए, अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन से ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू, और कुछ पर्टिकुलर स्पेशल वैल्यू के लिए क्या करते हैं, वैल्यू आप द आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखा जाए, y बराबर c1 e के पावर x, c2 e के पावर माइनस x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx स्क्वायर माइनस y बराबर 0। क्या है इसका सॉल्यूशन, है क्योंकि दो बार डेरिवेटिव करेंगे आप इसका और y की वैल्यू लिखेंगे तो राइट साइड में 0 आएगा। अगर c1 c2 की वैल्यू हम क्या ले लें, 1 ले लें, क्या ले लें,
C1 की वैल्यू 1 ले लें और C2 की वैल्यू अगर -2 हम ले लेते हैं तो ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा क्या, e^(x) - e^-x। और क्या है, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और इसी को कहेंगे आर इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन। समझ में आ गई, समझ में आया। दो तरह का सोल्यूशन है, एक जनरल सोल्यूशन है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। दोनों डेफिनेशन बाय एग्जाम्पल समझा दिया गया। और क्या करते हैं हम नेक्स्ट, हम थोड़ा सा दोनों पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और भी क्लियरिफिकेशन आपका हो जाए कि जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिए, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए देखते हैं, दो क्वेश्चन हम करेंगे, एक जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। एंड फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d/dx = 1+y² / 1+x² इसका हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d/dx = -4xy² गिवन दैट y = 1 व्हेन x = 0। यही डिफरेंस दोनों में है। तो थोड़ा सा अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू। जैसे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि कोई d/dx = कोई फंक्शन दिया हुआ है तो y वाले टर्म को y के साथ, x वाले टर्म को dx के साथ हम क्या करते हैं, सेपरेट करके बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए इसको आपका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है इसका, तो ये d/dx = दिया है 1+xy² और 1+x², इसको मान लीजिए हमको फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन। तो इसको हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को dx के साथ, y वाले टर्म को dy के साथ सेपरेट करके इंटीग्रेशन करना है, और कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए dy = हमने कर दिया 1+y² 1+x², dx को मैंने इधर भेज दिया। अब यहाँ पर 1+y का कोई वर्क नहीं है, अब यहाँ मल्टीप्लाई में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 1+y² dy = 1+x² dx, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इंटीग्रेशन साइन लग जाएगा यहाँ पे, तो ये किसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स 1/a (a²) + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a (tan inverse x/a) होता है। तो वहाँ से ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y हो जाएगा, और इसका हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। तो ये जो है हमारा क्या है, विच इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर आपका है फर्स्ट। तो यहाँ से कह सकते हैं विच इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, तो आप समझिएगा g का मतलब जनरल सोल्यूशन, d का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी आपने देख लिया जनरल सोल्यूशन, अब हम देखेंगे इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे, उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे। तो सेम वर्क यहाँ भी करेंगे, आपको सेपरेट करेंगे बोथ साइड। तो d/dx = दिया है -4xy², तो dy को यहीं पर रखिए आप, -4xy² dx को हमने इधर कर दिया। अब यहाँ पर y का कोई वर्क नहीं है, तो आपको dy के साइड में इसको लेके जाना है। तो ये हो जाएगा आपका -4xdx, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/y² का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं, 1/y² का मतलब क्या हुआ, y^-2 ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पर एक ऐड करते हैं और उसमें डिवाइड कर देते हैं। -4x बाहर कर लेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2+c, ये कंडीशन हो गया। थोड़ा सा और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ सिंप्लीफाई जब करेंगे -1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -1, यानी 1/ क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो यहाँ 2 का टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो -2x² + c। अब यहाँ से y की वैल्यू जो आपको क्या मिलेगी, y = क्या मिलेगा,
वाई इक्वल टू मिलेगा 1/2x² - c। ये आपका क्या हुआ, यहाँ तक आपने क्या निकाला है, यहाँ तक आपने निकाला है जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे, यहाँ तक निकाला है हमने जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको बना लीजिए, इसको सेकंड बना लीजिए। अब कंडीशन क्या दिया है, y बराबर 1 व्हेन x बराबर 0, तो जहाँ x है वहाँ पर 0 कर दीजिए। तो y बराबर जब हम 1 रखेंगे x बराबर 0 करेंगे तो ये आ जाएगा -1/c, यानी c की वैल्यू हो जाएगी -1, राइट। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू तो y बराबर आपको मिल जाएगा 1/2x² + 1। यही जो है आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आपको हो गए, एक जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट आता है वो उसके आर्डर के इक्वल होगा, यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके आर्डर के। जैसे मान लीजिए इसमें ये फर्स्ट आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आया है, इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे जो कंडीशन दिया रहेगा उससे हम सी जो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वीडियो स्टॉप करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन हम फर्स्ट आर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।